सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर दिनकर सूद है। मैं बतौर प्लास्टिक सर्जन मनीपाल हॉस्पिटल पटियाले विखे काम कर रहा। पहला तो दिवाली दियां साडे सारयां वल्लों तुहानू सारयां नू बहुत बहुत शुभकामनावां। अज तुहाडे रूबरू होण दा जिहड़ा मुख कारण हैगा कि जिहड़ा दिवाली दे विच जिहड़ियां कुछ प्रिकॉशनज ने जिहड़ियां असीं जिहड़ियां लैणियां हैगियां ने जिहड़ियां कुछ असीं देखदे हां कि दिवाली दे दौरान या दिवाली के आस पास के दिनों बर्नस के काफ़ी पेशेंट्स जो सू देखने मिलते हैं। सो इस वास्ते की प्रिकॉशनज ने, जे कुछ इस तरह का कोई इंसीडेंट हो जाता है तो उस किस तरह की फर्स्ट एड लैनी है, तो की इस तो बाद की एडवाइस फॉलो करनी है, की हैगा वो आप अज उस बारे आप कुछ थोड़ी बहुत गल करा ब्रीफ करा मैं थोड़ा तो बारे। सब तो पहला तो की प्रिकॉशनस की ने जी, एक तो सब तो इंपोर्टेंट तो देखो यही है कि जी बेस्ट प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, ठीक है ना। कि उधर विषय यह है कि जे आप दिवाली नू ग्रीन रखिए, विदाउट क्रैकर्स दिवाली नू मनाइए, लाइट्स नाल मनाइए, तो दैट इज द बेस्ट वे। जे उस तो इलावा जे आप क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं तो इट वो जो है इट शुड बी डन इन अ ओपन स्पेस, खुले जगह पर, खुले मैदान में या खुली जगह के, मतलब एक क्रैकर्स का जो है जो होना चाहिए जो जलाना। तो उस तो बाद जरूर उत्थे एक जिहड़ा पानी की एक बाल्टी एक जरूर एक नेड़े होनी चाहिए है तुहाडे एक आस पास के एरिया दे विच, जिथे भी तुसी क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे हो उत्थे एक फ्रैश वाटर की बकेट पानी की नेड़े विच तुहाडे विसिनिटी दे विच नेड़े तेड़े होनी चाहिए है। लूज क्लोज या फिर जिहड़े सिल्क क्लोज इस तरह के क्लोज तुहानू नहीं, कपड़े जिहड़े हैगे है दिवाली के दौरान नहीं पाने चाहिए। कॉटन क्लोज जिहड़े कि बॉडी नू फिटिंग फिटड होन वो रखने चाहिए ने। क्लोज जिहड़े भी पटाके तुसी चला रहे हो वो फेस तो अखां तो दूर रख के ते हाथ दे विच ना रख के इस, क्योंकि कई बार की देखा गया कि कई बार कई लोग जिस तरह शरारत दे विच कह लो या किसी तरह कह लो कि उन्हें हाथ दे विच चलाने की कोशिश करते हैं। सो उस दे विच की होंदा कि कई बार क्रैकर इमीजिएटली बर्स्ट कर जाता तो वह एक मेजर बर्न का कारण बन जाता है। सो उन्हें जिहड़ा बर्न हैगा जिहड़ा अपना क्रैकर हैगा उन्हें फेस तो दूर, आईज तो दूर, हाथ तो दूर, ठीक है ना, एक मतलब एक प्रॉपर स्पेस रख के उन्हों तुसी करना है। तो ये प्रिकॉशन ने जिहड़ियां ओपन स्पेस हो गया, पानी की बकेट हो गई, लूज क्लोज अवॉइड करने हैं, सिल्क दे या सिंथेटिक क्लोज अवॉइड करने हैगे हैं, कॉटन क्लोज वेयर करने ने, ते प्लस जिहड़ियां प्रिकॉशन है कि फेस तो दूर, आईज तो दूर, ते प्लस हैंड्स तो, मतलब जिहड़ा हैगा वो हैंड्स दे विच रख के नहीं इहो जिहा कोई भी, मतलब तुसी कोशिश करनी कोई इस तरह उन्होंने क्रैकर नू बर्स्ट करन दी। ये तो हो गया जी जिहड़ियां प्रिवेंशन ने जिहड़ियां प्रिकॉशनज ने सॉरी। उस तो बाद जिहड़ी आ जाती है गल कि जे इन केस किसी पेशेंट को कोई बर्न सस्टेन हो जाता है तो फिर तुसी करे की करना है। देखो आम तौर पर असं देखते साढ़े को डेली बेसिस से पेशेंट्स आते हैं जी, आप घरें बहुत सारिया रेमेडीज करते हैं, आइस लगा लें, टूथपेस्ट लगा लें, रतन जोत लगा लें। सो ये सारिया जी रेमेडीज ने ना ये बर्नस न होर डैमेज कर दिया ने, होर डीप कर दिया ने। सो जिहड़ा बेस्ट मेडिकली अप्रूव्ड या बर्न जिहड़ी एसोसीएशन हैगी है उहदे थ्रू अप्रूव्ड जिहड़ी फर्स्ट एड हैगी है बर्नस दे विच, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਕਰੀਮ, ਕੋਈ ਨਿਊਸਪੋਰਿਨ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਐਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਫਰਾਮਾਈਸਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਕਰੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫਸਟ ਏਡ ਫੋਰ ਬਰਨਸ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬਰਨ ਕੋਈ ਡੀਪ ਬਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੂੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨੀਪਾਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/7 ਬਰਨਸ ਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਹੈਪੀ ਦਿਵਾਲੀ ਟੂ ਆਲ।